नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, कौन? मैं मोनिका सिंह बोल रही हूँ, बरेली से। हाँ जी। हाँ, मुझे ना सर पहले तो आपको नमस्कार करना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, नमस्कार ना। हाँ, तो मैं ना 2011 की मतलब टेट पास हूँ। और 82 से जो मेरा पांच साल बाद मुझे उसका रिजल्ट मिला था, जैसे वाले फिर पास हुए थे। तो सर बताइए, मेरा तो एज भी ओवर हो गई है, क्या मुझे मौका मिलेगा? आपने 2011 में प्राइमरी वाला टेट दिया और उस वक्त 82 वालों को क्वालिफाई नहीं किया गया था। बाद नहीं में किया गया था। हाँ, बाद में कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्वालिफाई किया गया और आपको सर्टिफिकेट बाद में मिला और आप अब ओवर एज हो चुकी हैं, यही ना? ओके सर, 50 से ऊपर हो गया मेरा। चलिए, कोई बात नहीं। पचास आपने हमें कॉल किया है, आपको नंबर हमारा मिला है, इट मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो होगी हम जो बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रही हूँ आपका कुछ टाइम से। अच्छा, और आपको चूंकि सर्टिफिकेट बाद में मिला तो आपने जो है 2011 में जो है फॉर्म भी नहीं भरा होगा। नहीं, तब नहीं भरा था क्योंकि उस पर रिजल्ट नहीं आया था, तब 82 वाले फेल थे। उसके बाद 5 साल बाद उनको रिजल्ट मिला, तब वो पास थे। और वही चीज मैं कह रही थी। और 2012 में जो अखिलेश यादव जी ने फॉर्म भरा था उसमें भी नहीं भर पाई होंगी। नहीं भरा था सर, क्योंकि वो रिजल्ट ही नहीं आया था हमारा। चलो, कोई बात नहीं। क्योंकि जो 2011 में भर्ती आई थी उसमें विवाद हुए, फिर 2012 में अखिलेश यादव जी ने दोबारा फॉर्म भरवाया था, जी लेकिन जी अब वो पुराना मैटर सब खत्म हो गया है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जी उसके तहत गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में काफ़ी कुछ नया कर रही है और पुराना सिस्टम चेंज कर रही है और जो पीछे बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं उनको सुलझा रही है। ओके सर। तो अभी आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया गया है ओके सर। और वहाँ पर एडमिशन छोटे बच्चों का स्टार्ट हो गया है और ओके सर। जल्द ही आप देखेंगी कि जो शिक्षा मित्र हैं जी उनको प्री प्राइमरी में परमानेंट किया जाएगा। तो सर, ठीक है? शिक्षा मित्र वालों को किया जाएगा, हमारा हाँ क्या है बीएड टेट वालों का? हाँ वही बताने जा रहा हूँ। जी तो जी ये तो हो गया प्री प्राइमरी का, क्योंकि सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम एक सीक्वेंस में चल रहा है, अलग अलग जी डिपार्टमेंट हैं, हायर एजुकेशन में कुछ हो रहा है, कुछ प्राइमरी प्री प्राइमरी में हो रहा है। तो जी आप नज़र रखिए, हमेशा अखबारों में तरह तरह के न्यूज़ आते रहते हैं प्री प्राइमरी संबंधित, प्राइमरी संबंधित। तो प्राइमरी में जी टेट पास कैंडिडेट को लिया जाता है और आज के डेट में सुपर टेट हो रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों में बहुत सारी भर्तियां रही हैं जो कि विवादित रही हैं और उनको किसी ने भी कहीं भी क्लियर नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए। अभी जी गवर्नमेंट सर, सारे पुराने मैटर सॉल्व कर रही है, जी तो सर, इन्होंने एक अपना प्लान बनाया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो भी पद खाली हैं वो सारे पद भरेंगे। तो जो पुराने मैटर हैं यानी कि पुराने कैंडिडेट्स जो हैं जी उन सर, सभी को नियुक्ति दे करके पुराना मैटर क्लोज करने का। तो पुराने बहुत सारे मैटर हैं, बहुत से केस हैं जिनमें जजमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे अभी भी पेंडिंग हैं, उनमें न उलझते हुए गवर्नमेंट अपना प्लान किया है कि जो टेट पास कैंडिडेट्स हैं जी सर, उनको ईयर वाइज यानी कि 2011 में सबसे पहले हुआ था जी सर, तो ईयर वाइज लेने का प्लान किया है। तो अभी करीब करीब यूपी में 4,80,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जी सर, जिसमें पहले चरण में यूपी में 2,25,000 भरने की तैयारी है और ये सब जी सर, यूपी में ही नहीं पूरे भारत में होना है। तो जी सर, ईयर वाइज नियुक्ति होगी, तो 2011 में जो भी टेट पास कैंडिडेट हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है? तो आप ग्रुप से जुड़े रहिए, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सारी जानकारी अखबारों में भी आएगी, हम भी देते रहते हैं, तो उसमें आपको भी मौका मिलेगा। क्योंकि मैटर जो पुराने हैं, पुराने लोग हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि ओवर एज हो चुके हैं, तो जी सर, इसमें एज उम्र की छूट दी जाएगी। ठीक जी है? सर, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए, बस ये है कि आप जो है नज़र रखिए अपडेट जो भी आ रहे हैं, ताकि जी सर, अब कोई चीज छूटने ना पाए। जी। तो सर, जो अभी उम्मीद कब तक है मतलब ये सब होने की? क्योंकि अप्रैल से तो फिर नया सेशन शुरू हो ही जाता है नहीं, ये, देख और उसके स्कूल बाद तो फिर जुलाई से। ये जो स्कूल होता है उसमें दो सिस्टम एक तरह से चलता रहता है पैरेलल, एक हो गया जी बच्चों का पढ़ाई जी और दूसरा हो गया टीचर्स का। ठीक है? जी
तो स्कूल का सिस्टम अलग है, वो पढ़ाई जो सेशन स्टार्ट होता है वो अपने समय से स्टार्ट होता है, और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक अलग चीज है। तो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही आप देखेंगे शिक्षा मित्र का जब हो जाएगा, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जो भी शिक्षक हैं प्राइमरी में उनको 4 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जा रहा था जो कि 75 जिले में होना था, और अभी वो करीब आधे जिलों में हो पाया है, आधे भी बाकी हैं। ये ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के बाद शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में लाया जाएगा, वो स्पेशली प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, सर, तो इसमें इसमें एज का तो कोई इशू नहीं है? हमने भी आपसे बताया ना कि सन 2004 के भी लोग हमें कॉल करते हैं, 2007 2008, तो अच्छा उतने सर, पुराने पुराने मैटर अभी पेंडिंग चल रहे हैं, यानी कि वो मुलायम सिंह के कार्यकाल में अच्छा जी, कोई फॉर्म आई रही होगी, विज्ञप्ति आई होगी, उसमें आवेदन किए थे, तरह तरह के विवाद हुए, तो न मुलायम सिंह ने उनको कहीं कोई मौका दिया सुलझाया मैटर को, न उसके बाद मायावती ने, न उसके बाद अखिलेश ने, तब से वो मैटर पेंडिंग चल रहा है। वो कोर्ट कचहरी भी करके जजमेंट भी लेकर आ गए हैं, फिर भी उनको किसी गवर्नमेंट ने मौका नहीं दिया। ये गवर्नमेंट आने के बाद नया तो कर ही रही थी, पुराने मैटर पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही थी। तो अभी आप अगर नजर डालेंगी, योगी सरकार जब से आई है, इन्होंने कुछ भी नया अभी तक नई भर्ती नहीं दिया है प्राइमरी लेवल पर। जो क्या अड़सठ हिसाब से हजार होने जा रहा है? 68,501 IQ की भर्ती इनके कार्यकाल में, और 69,000 जो कि शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने के बाद जो पद खाली हुए थे जी उन्हीं पर थी। उसके बाद अब जी तक इन्होंने कोई नई भर्ती दिया नहीं है। कारण क्या है, जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है 2017 में आया था, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जी नई भर्ती तब तक नहीं करनी है जब तक पुराने विवाद सारे सुलझ नहीं जाते हैं। उसी ऑर्डर के तहत ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसी ऑर्डर के तहत शिक्षक सेवा चयन आयोग जो नया बना हुआ है उसका निर्माण किया गया है, तो सारा सिस्टम बदला जा रहा है। अगर भर्ती आती भी है तो 10-15-20 हजार की भर्ती आएगी, उसमें जो जी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं नए वाले जी वेट सर कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भर्ती, तो जी सर विज्ञापन आएगा, लड़के फॉर्म भरेंगे, वो अलग प्रक्रिया चलेगी, और ये जो बताया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये अलग है, ये चलता रहेगा, पुराने लोगों के लिए खास तौर पे किया जा रहा है। जी सर सर पुराने अखबार बिल्कुल में तो देंगे ना इस चीज को? देंगे, अखबार में हाँ भी बिल्कुल आएगा, उनके वेबसाइट पर भी आएगा, अभी जो आप देख रही हैं फेसबुक व्हाट्सएप हर तरह के ग्रुप बने हुए हैं, वहां पर भी हर कोई इसकी चर्चा कर रहा होगा, जानकारी तो हर जगह से मिल जाएगी, बस फिर अपडेट भी सर रहिएगा, नजर उम्मीद कब तक रखिएगा की है? फिर भी कब तक उम्मीद है सर? आप, नजर आप रखिए शिक्षा मित्र 4 दिवसीय ट्रेनिंग पूरा होगा, उसके बाद जी शिक्षा जी मित्र का सर, वो प्री तो पूरी हो गई प्राइमरी शायद, वो तो में हो गई पूरी नहीं हुई है, अभी आधे अखबार जिलों में। में हो पाई है, आधे अच्छा जिलों में हाँ, बाकी आधे है। जिलों में हो पाई है जी हाँ, तो उम्मीद करके चला जा रहा है कि गर्मी छुट्टियों में कंप्लीट कराया जाएगा, उसके जी बाद जब वो प्री प्राइमरी में चले जाएंगे, क्योंकि तो उनमें भी टेट पास बहुत सारे हैं शिक्षा मित्र, जी तो सर जो भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो, उसके जी बाद सर बीएड बीटीसी डीएलएड वाले जो 2011 से 2018 के दौरान टेट पास कर चुके हैं, क्योंकि 18 तक की लेने की योजना है, तो जी इनको सर फिर किया जाएगा। जी सर तो सीक्वेंस है एक एक काम को सॉल्व करने का, जैसे आप कोई जी चीज घर में काम करती हो ना कि अब ये काम कर लिया इसके बाद ही ये काम करेंगे, क्योंकि तो उससे पहले नहीं हो बिल्कुल सकता, तो ऐसे ही सिस्टम में सर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो सीक्वेंस है उसी में चलेगा। जी अब जो पहले होना है वो जब तक होगा नहीं, तो उसके बाद वाला कैसे होगा, हाँ जी सर तो ठीक है एग्जैक्टली क्या टाइमिंग होगी इसकी, वो जब गवर्नमेंट घोषणा करेगी, जीओ जारी हाँ, जब वो करेगी, तभी निकाले तभी कंफर्म होगा। कंफर्म होगा। और बस ये मैं सारी आपसे चीजें थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रही थी ना, काफी टाइम से मैं आपको फोन कर रही हूँ लगातार, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चूंकि गवर्नमेंट जो है ये सारी चीजें प्लान करके चली है, इसी के लिए आप जानती होंगी कि 2012 से 2017 के दौरान बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आ सकते थे, जी सर ना ही कोई प्राइमरी का टेट दे सकते थे, लेकिन वैलिड किया गया, इसीलिए किया गया कि ये सारी चीजें होनी थी, फिर टेट भी एक्सपायर हो चुका रहा, वैलिडिटी 5 साल 7 साल ही होती थी राज्यों में, जी सी टेट का भी 7 साल अब तो था। लाइफ टाइम हो गई ना सर। हाँ, ये जून 2021 में लाइफ टाइम कर दिया गया, इसीलिए किया गया है। सर फायदा मिलना चाहिए ना इस चीज का तो, फिर नहीं तो बैठे ही रहेंगे घर में। तो सर ये सारी चीजें करने के लिए ही ये सब किया गया है। कितना हम स्ट्रगल करते हैं, पहले बीए करें फिर एमए करें, एमएड करें फिर बीएड करें फिर टेट करें, फिर भी बैठे हैं सर घर में।
नहीं, सरकार प्राइवेट आपने नौकरी में बस दिमाग खपा रहे हैं अपना। 1 मिनट, अगर ऐसे देखा जाए तो 130 करोड़ आबादी है, हर व्यक्ति ये स्ट्रगल कर रहा है। क्या संभव है कि जी हर सर, व्यक्ति वो को तो पता सरकारी है जॉब सर, मिल हर हर सही बात है, किस्मत वाली भी बात सर, मानी इसमें जाए? तो कि किस्मत। ये सिर्फ BA, BTC, DL Ed ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं। बाकी MBA करने वाला, BTEC करने वाला, BFARM करने वाला, BCA करने वाला, MCA करने वाला, जो भी प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। उनको तो बस नहीं सर दिखता है कि हमको इस कंपनी तक पहुंचना है, इस कंपनी में जॉब करना है, प्राइवेट में। जी वो सर चाहे रहने वाले किसी भी गांव देहात, किसी भी जो है प्रदेश के हों, वो सीधा टारगेट रखते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, हमें मुंबई जाना है, हमें जी कलकत्ता जाना है, हमें इस कंपनी में काम करना है। वो ना ही डिस्टेंस देखते हैं और ना ही समस्याएं देखते हैं। वो एक कंपनी में काम करते रहते हैं, दूसरी कंपनी की तरफ नजर डाले रहते हैं कि अब इससे हमें आगे बढ़ के इस कंपनी में जाना है, ये पोस्ट में लेना है। तो जी सर इसीलिए वो जो है कभी भी सरकारी नौकरी की तलाश में या उस उम्मीद में बैठे नहीं रहते हैं। लेकिन BEd, BTC, DL Ed वाले सोचते हैं कि बस एकदम हमने एकदम ये मैं पढ़ाई कर लिया, मेरे घर से बगल वाला ही स्कूल हमको मिल जाए और हमको सैलरी मिल जाए। 50,000 मिलने लगे। ये संभव है यस भाई? प्राइवेट में भी स्कूलों में मिल रहा था पैसा हम हमारे। कर रहे हैं लेकिन बहुत कम मिलता आप है। कर रही हैं, कम मिलता है, मान लेते हैं कि सपोज कि आपको 10,000, 15,000, 20,000 मिलता होगा। आप अगर स्विच करेंगी, जाएंगी दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में और कलकत्ता में, बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, DPS है, DAV है, और आपके जी भी सर आसपास होगा, उनमें ट्राई जी करेंगे सर तो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक दे रहे हैं। जी तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे अन्य प्राइवेट सेक्टर में जो है पैसे मिलते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ भी पैसा है, लेकिन जब आप चाहेंगी जो है वहां तक पहुंचना, तब तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि बस हमें पास वाले हमारे शहर में ही मिल जाए। ये कैसे संभव है? सर लेडीज चाहती है, जेंट्स का तो चलो चल जाता है सर, लेडीज का तो एक यही रहता है ना कि अगर हमें पास ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, बस उसका यही है। हम अभी जिनकी बात कर रहे थे, क्या वो लड़कियां वो पढ़ाई नहीं करती हैं? करती क्यों नहीं सर, सभी करते हैं, सभी अपना मेहनत करते हैं, सोच कर लड़के के भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो थोड़ा सा सोच को चेंज कीजिए। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ मेहनत करना होगा, कुछ खोना भी यस पड़ेगा, सर बहुत कुछ कुछ होना करना भी पड़ता पड़ेगा। है, हाँ जी, बहुत कुछ करना पड़ता है सर, ऐसे थोड़ी। आप अभी जिस भी स्कूल में पढ़ा रही हैं, मान लेते हैं आपके शहर में सनबीम हो, DAV हो, DPS हो, ऐसे संस्थानों में आपको अगर मौका मिलेगा तो जितना पेमेंट आप पा रही हैं तो इससे तो ऊपर ही मिलेगा, वहाँ ज़्यादा ही नहीं मिलेगा। सर यहाँ 5,000 से कोई ज्यादा देता ही नहीं। आप अन्य स्कूलों की बात कर रही हैं, हम बात कर रहे हैं DAV की, DPS हाँ की, सर आप बहुत सनबीम की। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं आप, हम तो हिंदी मीडियम से ना सर, तो तो अब कोई वही ये चीज है ना अब सर। ये कहे कि जो है हम अपने अंदर जो है क्वालिटी नहीं लाएंगे और हमको अच्छे अच्छे स्कूल रख लें, अच्छी अच्छी कंपनियां हमको लेने, ये कैसे संभव है? नहीं सही है, सही सही बात है सर, तो उस चीज के लिए होना चाहिए, हमें उस लेवल का बनाना पड़ेगा ना खुद को। बनाना पड़ेगा। हम तो बराबर अपने ग्रुप में डालते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि भैया कंप्यूटर सीख लो, भैया इंग्लिश बोलना सीख लो, तब तो तुम्हें कोई इंग्लिश मीडियम वाला लेगा। ठीक है, आप पढ़े किस बोर्ड से, वो साइड में कीजिए। हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, जी लेकिन आज हम किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, चाहे वो DPS हो, DAV हो, या सनबीम हो, या आपके साथ कोई भी बड़ा स्कूल हो, अभी हम अपनी CV लगा देंगे, हमें कॉल आ जाएगी। जी तो सर आखिर हमने अपने आप को चेंज किया ना, उस लेवल तक हमने पहुंचाया खुद को। आखिर उन्हें कुछ तो मेरे अंदर दिख रहा है, तो हमको जो है जैसे ही हम CV कहीं लगाते हैं तो तुरंत कॉल आ जाती है। जी सर तो हमें जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। जब मेरे अंदर क्वालिटी होगी तो हर कोई हमें अपने यहाँ बुलाना चाहेगा। जी सर तो ये जो है कंप्यूटर हुआ, इंग्लिश हुआ, और अन्य सब्जेक्ट्स में, चाहे वो आर्ट्स का ही बंदा क्यों ना हो, उसको नॉलेज होना चाहिए, साइंस का भी, मैथ्स का भी। हाँ तो सबका फिर होना चाहिए, तो जब आपका, ऑलराउंडर तो होना ही होना हाँ, चाहिए। जब आपके पास जो है बहुत सारे स्किल्स होंगे और आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, तो कैसे नहीं लेंगे ये लोग भाई? इनको भी तो ये पैसा खर्च करेंगे, तो इनको भी तो क्वालिटी चाहिए ना कि हमारे यहाँ ऐसे बंदे चाहिए काम चाहिए करें। बिल्कुल। बस वैसे चलिए, तो हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते थे सर, वहाँ 5-6 5-6 5-6 बस, इससे ज्यादा नहीं, छोटे ही बच्चों को मतलब कराते थे, इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाती थी, अभी हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया मैंने, तो भी इससे ज्यादा। आप जहाँ भी पढ़ा रही हैं, हम हर किसी से एक चीज और कहते रहते हैं, वो ये कहते हैं
कि आप मैथ अच्छा पढ़ाते हैं या फिर आप इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं या अदर कोई सब्जेक्ट साइंस का या आर्ट्स का पढ़ाते हैं, तो आइए यूट्यूब पर, या फिर आप अगर अच्छा खाना बनाती हैं या जी और कोई चीज़ आप अच्छे से जानती हैं, यूट्यूब पर आइए। वहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं, जी वो तो पता है सर। पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल के बच्चे जो है महीने में इतना कमा रहे हैं कि आप पूरे साल नहीं कमा पाती होंगी। सर वो ही है ना कि उनमें जो स्किल्स हैं वो अच्छे हैं, और हमारे टाइम में सब इतना कहाँ, सिर्फ हिंदी देखिए है। मेरा तो सब्जेक्ट ही स्किल्स हिंदी है सर, हिंदी संस्कृत है, तो तो आजकल हिंदी हिंदी की संस्कृत को डिमांड, कोई हिंदी की डिमांड इम्पोर्टेंस क्या ही नहीं समझ रही, देते। हिंदी की डिमांड आप क्या समझ रही हैं, कम है। आप अभी जो है हिंदी सिखाना शुरू कीजिए, बस थोड़ा सा उसमें जो है एक चीज कर लीजिए कि इंग्लिश टू जी हिंदी सिखाना शुरू कीजिए। आप वीडियो ओके बना करके यूट्यूब पर डालिए, पूरे वर्ल्ड के लोग आपको फॉलो करेंगे, पूरे विश्व से लोग मिलेंगे इंग्लिश टू हिंदी। आज इंडिया में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियां आना चाहती हैं, और हिंदी की डिमांड बहुत है। बहुत सारे लोग इंडिया में आना चाहते हैं जॉब के लिए, उनको हिंदी सीखना है, लेकिन वो बाहर के हैं, मान लीजिए जी कि वो चाइना के हैं, मान लेते हैं यूएस के हैं या कहीं के भी हैं, तो अब उनको हिंदी सीखना है। तो आप जी इंग्लिश सर टू हिंदी जिस दिन सिखाएंगे, तो आपके यूट्यूब पर देखिए कितने लोग आ जाते हैं। जितने भी हिंदी की टीचर, हम उनसे हमेशा कहते हैं आप हिंदी भी सिखाइए साथ में इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी और इंग्लिश को पैरेलल लेकर चलिए, तो जी हमेशा बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी की डिमांड नहीं है। हिंदी सिखाने वाले टीचर क्या करते हैं, वो सिर्फ हिंदी को ही पकड़ के बैठ गए रहते हैं कि नहीं हम तो हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी। अरे भाई, आप अगर यहाँ प्रेमचंद को पढ़ा रहे हैं तो साथ में शेक्सपियर भी पढ़ लीजिए, शेक्सपियर की भी चर्चा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप जिस स्कूल में जाएंगे, जब वहाँ पर इंटरव्यू हो, तो वहाँ पर तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। जब प्रेमचंद की बात हो, तो आप अपने आंसर में वहीं पर शेक्सपियर को भी शामिल कर लीजिए, मिल्टन को भी शामिल कर लीजिए, फिर देखिए आपके तारीफ वहाँ होती कि नहीं, कैसे नहीं लेंगे वो। जब देखेंगे कि आप बाइलिंगुअल हैं, आप दोनों तरह से सक्षम है पढ़ाने के लिए, तो लेंगे ही लेंगे। हिंदी की डिमांड वैसे भी है, तो सर इंग्लिश टू यूट्यूब। स्पीच मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी है, मतलब इस तरह से वो चीज नहीं है ना, फ्लुएंसी बहुत नहीं है सर। फ्लुएंसी नहीं है, हमारी भी नहीं है, हमें भी ऐसे ही लगता था एक टाइम, और हम गए केवी में पढ़ाए, नवोदय में पढ़ाए, धीरे धीरे ये चीजें हमारे अंदर आई हैं। एक्चुअली होता है कि हम कितना भी सीख लें, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करती है तो जब यूज ही नहीं करेंगे तो हमारे हैबिट में आएगा कहाँ से। तो बस हमें यूज करना शुरू करना होता है, तो हम धीरे धीरे यूज करना जब शुरू कर देंगे, जैसे आप हिंदी पढ़ा रही हैं, अगर बच्चों को पढ़ा रही हैं वहां पर नाउन, अरे सॉरी संज्ञा, तो वहां संज्ञा संज्ञा के पढ़ाया तो बगल वो में नाउन नाउन भी लिखिए, नाउन भी लिखा होता है। जी हाँ जी इंग्लिश में सर, लिख दीजिए वहां पर, तो बच्चा भी पढ़ेगा और उसके दिमाग में घूमेगा। सर इतना अच्छा तो कर ही लेते हैं सर, इतना तो हाँ, करते हैं। और जो डेफिनेशन है पूरा सेंटेंस जो है, वो भी हिंदी में लिखने के बाद नीचे इंग्लिश में भी लिख दीजिए, तो वो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने इंग्लिश के भी क्लास में वो चीज़ पढ़ा है, तो दोनों को जो है कंपेयर करना शुरू करने का, दोनों में सिमिलरिटी देखना शुरू कर देगा। जी उससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप भी यूज कर रही हैं इंग्लिश का। तो अब क्या हुआ, जहाँ बिल्कुल इंग्लिश का यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि तो आप तो क्लास में हिंदी पढ़ा रही हैं, घर पर भी हिंदी बोल रही हैं, हर जगह हिंदी, तो इंग्लिश का बिल्कुल कहीं सर, आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, ना मौका ही बोलने नहीं का ना मिला लिखने का। सर, मिला भी नहीं। तो आप एक काम कीजिए, बस जहाँ भी पढ़ा रही हैं, जिस भी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्लास 2 का 3 का बच्चा भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश थोड़ा सा समझने लगते हैं, जी तो आप बस वहाँ पर कुछ चीजें शुरुआत कीजिए थोड़ा सा अपने लिए, बच्चे सीखें या ना सीखें, आप अगर यूज कर रही हैं तो आपका तो हैबिट बनेगा ना, जी तो अपने लिए इंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ ही समय के अंदर आप जो है वो सारी चीजें यूज करने लगेंगी। तो जैसे ही इंग्लिश में है क्या, इंग्लिश भी हम हिंदी की तरह एक भाषा ही वैसे है, हिंदी की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम तो ही है बस बस ये। हमें क्या है, वर्ड पावर बढ़ाना है, शब्दों का ज्ञान हमें है, बस अधिक से अधिक हाँ शब्द यही हम चीज जान रहे हैं, सारे शब्दों का पता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सब क्या कहते हैं। नॉलेज हो जी गया। अब बस थोड़ा सा, एक छोटा सा रूल होता है कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, बोलना है, बस थोड़ा सा। अब बहुत विशेष स्पीकिंग में ग्रामर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जी जैसे हम ही लोग हिंदी बोलते हैं, अगर व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गलत बोल रहे हैं, जी तो यहाँ पर ग्रामर पर ध्यान मत दीजिए। सबसे मेन है वर्ड पावर बढ़ाइए अपना, और जो वर्ड्स आप जानती हैं उनको यूज करना शुरू कीजिए। जी और कोशिश कीजिए, हाथ में मोबाइल है 10,000 20,000 की, उसमें कैमरा है, उसी में नेट चला रही हैं, रोज 1-2 GB मिल रहा है, आप मोबाइल खोल के रोज दूसरों के वीडियो देख रही हैं, अपना टाइम पास जी कर रही हैं,
दूसरों का देख रही हैं तो दूसरे पैसा कमा रहे हैं, ऐसा सोचिए कि हम अपना वीडियो बनाएं लोग मेरा देखें तो आप पैसा कमाएंगी, जी सर, सोच को चेंज कीजिए बैठ एक करके। तो बात ये होती है ना कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं घर में, हस्बैंड है उनको इस बात से कोई वो लेना देना नहीं, वो अपने चौबीस काम में बिजी रहते हैं। तो किसी की मैं सपोर्ट ये की चीज, जरूरत ही नहीं है। मैं अभी ये मोबाइल मैंने अभी कुछ 2-4 साल से चलाना सीखा है मैंने, थोड़ा उससे पहले मेरे पास नहीं था, मतलब कीपैड ही जैसे था। जैसे आप किचन में काम करती हैं अपने किचन में, तो आपको पता होता है कि नमक कहाँ है, चीनी कहाँ है, मसाले कहाँ है, हर बिल्कुल चीज पता है। आप काम करते करते ही हाथ अचानक से जिस चीज की जरूरत होती है उसी की तरफ बढ़ाती हैं और वो उठा भी लेती हैं, बहुत विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता। जी लेकिन वहीं दूसरे के किचन में जब जाती हैं तो क्या होता है, ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है, फर्क जी बस इतना ही है। आपको पता कर रखना है सब कहाँ क्या होता है कैसे होता है। जैसे जैसे आप उसका यूज करना शुरू करेंगी हैबिट में आता चला जाएगा और आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हम भी जो है आज यूट्यूब पर जो भी लोगों को बातचीत होती है वो रिकॉर्ड करके डालते रहते हैं ताकि जो भी जी इन्फॉर्मेशन है सब तक पहुंचता रहे। तो ये जो वीडियो बनाना होता था, एक टाइम था हमें वीडियो बनाने में 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते थे एक वीडियो बनाने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कैसे क्या होता है, तो सीखते थे, ये कभी आज गलती हो गया वो गलती हो गया। तो एक वीडियो, जी सिंपल सा वीडियो बनाने में, जबकि रिकॉर्डिंग पहले से है आवाज, उसको जो है वीडियो में कन्वर्ट करने में 1 हफ्ते 10 दिन लगते थे। आप हमारे जो चैनल पर जाएंगे स्टार्टिंग में देखेंगे तो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक वीडियो डालते थे हम। लेकिन अब धीरे 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 जो एप्स यूज करते हैं उनको हम जान गए अच्छे से, कहाँ क्या होता है कैसे होता है, अब गलतियां नहीं होती हैं। और फास्ट काम करते हैं तो अब हाँ तेजी से बस, हम कर क्योंकि लेते हैं। वो रूटीन में आ जाता ना सर, तो सीखते जाते हैं हम। अब लगातार 1-2 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं ना, तो नई नई चीज सीखते गए और नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो जी ऐसा आज आप शुरू कीजिए, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग नहीं सिखाने सर, वाले हैं। हम ऐसे ही सीख रहे हैं। तो यूट्यूब पर सिखाने वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो खुद से कीजिए। हो सकता है पहला वीडियो बनाने में कुछ टाइम लग जाए, कुछ दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते में 1 डालिए, 10 दिन में 1 डालिए, धीरे 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 सीखते 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 एक दिन ऐसा आएगा बहुत अच्छा करने लगेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं 10 साल 11 साल से वो कुकिंग सिखा रही हैं, 10 साल 11 साल हो चुका है, अब वो हैबिचुअल हो चुकी हैं और उनके साथ जी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उनको भी इतनी जल्दी नहीं हुआ है, 10 साल 11 साल से वो लगी हुई हैं। तो जी सर, आज आप शुरू करेंगी तो मानिए आज से 1-2 साल लगेगा आपको तो वहां तक थोड़ा पहुंचने में, ग्रोथ करने में। कल आप शुरू करेंगी तो कल से लगेगा, परसों शुरू करेंगी तो परसों के बाद, लेकिन लगना तो समय है ही 1-2 साल। तो जो चीज़ हम बाद में शुरू करेंगे आज ही शुरू कर दें, जितनी जल्दी शुरू करेंगे हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ओके टीचिंग आप कर ही रही हैं, वो करते रहिए, जी अगर सर, आपको इसके फिलहाल तो अलावा। छोड़ रखा है फिलहाल, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। क्योंकि सर मुझे अस्थमा हो गया सर, मेरे को पैरालिसिस भी हो गया था 5 साल ओहो, पहले, तो नहीं तो केयर इस कीजिए वजह से, अपनी। हाँ तो सर इस वजह से छोड़ रखा है अभी। तो आप अभी अगर फ्री हैं, कुछ नहीं करना है, मार्केट में व्हाइट बोर्ड मिलता है, एक व्हाइट बोर्ड, अगर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना चाह रही हैं तो व्हाइट बोर्ड उठा लाइए मार्केट से, छोटा सा 500-1000 रुपए के रेंज में आ जाएगा, जिस साइज का लेना चाहें पढ़ाने के लिए इस तरह से, तो छोटा सा ही काफी है। घर में कोई प्लेस आप एक डिसाइड कीजिए, वहाँ हैंग कीजिए, मोबाइल को टिकाने के लिए एक ट्राईपॉड आता है 200-400 रुपए का, वो लीजिए, सामने कैमरा ऑन करके रखिए और बोर्ड पर आप पहले से तैयारी कीजिए क्या पढ़ाना है, उसको रिकॉर्ड करके बस वही यूट्यूब पर डालना शुरू कीजिए। या फिर बहुत सारे लोग हैं कि मोबाइल को स्टैंड में लगा करके नीचे की ओर कर लेते हैं, नीचे बुक रख लिए फिर पढ़ा रहे हैं, तो कई तरह से पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, आपको जो पैटर्न ईजी लगे उनको फॉलो कीजिए। अगर आप टीचिंग में नहीं आना चाह रही हैं, अगर आपको लगता है कि आप और कुछ जानती हैं नहीं, दुनिया मुझे का और टीचिंग कुछ। बहुत अच्छी लगती है सर, बचपन से ही यही था कि बड़े होके टीचर ही बनना है मुझे तो आप शुरुआत बस ऐसे कीजिए सर। कि मेरा छोटी। इसके लिए ये भी नहीं कि मैं कमाना ही अपनी जिंदगी समझती हूँ, मैं सिर्फ एक वो चीज है, मैं समाज से भी जुड़ना चाहती हूँ, कुछ लोगों का भला भी करना चाहती हूँ, बस ये तो है कि मैं टीचिंग में जाना चाहती हूँ, ताकि मैं, और ये नहीं कि मैं हॉबी पैसों के लिए से, हाँ मतलब हॉबीज एक में हॉबी भी। भी है मेरी, हाँ तो हॉबी कि है तो मुझे आप छोटे से शुरुआत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आपके घर में अगर छोटा बच्चा कोई हो या फिर आसपास कोई हो, कहीं आपके घर में हिंदी की किताब पड़ी हो जिसमें छोटे बच्चों की कविताएं हों, उन जी कविताओं को बुक में सामने नीचे रख करके मोबाइल में बुक को दिखाइए और उनका कविता पाठ कर दीजिए, छोटे छोटे वीडियो बनाकर कविता पाठ ही डालना शुरू कीजिए, पहले इस तरह से सीखना शुरू कीजिए।
चलिए सर देखते हैं। किसी भी तरीके से शुरुआत आप कर सकती हैं, चाहे ग्रामर में जाएंगी तो थोड़ा उसमें समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो मोबाइल बच्चों के सामने कुछ ऑन करके दे दिया, वो सुन रहा है देख रहा है। तो जब आप स्कूल लेवल के जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं उनमें जो कविताएं होती हैं उनका पाठ करके डालना शुरू कीजिए, तो शुरू में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, समय लगता है 2-4-6 महीने साल भर, जी सर, तो मुझे रिस्पॉन्स समय मिलने लगता है। लगेगा। तो दूसरे लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनको देख देख के सीखे। सबसे पहले शुरुआत यहीं से कीजिए, कविता पाठ से ही। जी और अपनी केयर कीजिए, स्वास्थ्य अपना सही रखिए, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है, इसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। बाकी सब तो जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई विशेष महत्व नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो शरीर ही है हमारा। चलो सब कुछ है। चलिए, बाकी और अपडेट के लिए अगर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ग्रुप जुड़ में तो नहीं है जाइएगा। सर अभी, क्योंकि व्हाट्सएप पे अभी सेव करेंगे तो ग्रुप में अच्छा अच्छा सभी आएंगे तो ना सर। हाँ, तो अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम पर भी टेट पास ऑल के नाम से है, फेसबुक पर भी टेट पास ऑल के नाम से है, यूट्यूब भी टेट पास ऑल के नाम से है, और व्हाट्सएप पर जिस नंबर पर आपने कॉल किया है इसी पर आप जो है हमें मैसेज कर देंगी तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। जी ओके सर, थैंक चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। यू सर, वेलकम। आपके लिए समय लिया आपका इतना। ओके सर।